हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आज की खबर राजनीतिक खबर, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से यहां के दबंगई करने वाले विधायक जितेंद्र आव्हाड के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मुमरा कौसा कलवा यानी कलवा मुमरा 149 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो सेगमेंट है मिटावा से लेकर के भारत गेयर तक का, खास इस पर चर्चा होती है क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि हमेशा पिछले कुछ चुनावों से, दो विधानसभा चुनाव, कारपोरेशन के चुनाव, हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक जितेंद्र आव्हाड को बढ़त मिलती रही है। पिछला 2014 का कलवा मुमरा का विधानसभा का चुनाव विधायक जितेंद्र आव्हाड लगभग 47 से 48 हजार वोटों की लीड से जीते थे। ये लीड अब कहां आ गई है, कहां पहुंची है, उसके आंकड़े जो अब लोकसभा चुनाव हुए हैं जिसमें सीधी सीधी लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाबाजी पाटिल के बीच में। इस चुनाव में हम आपको बता दें, श्रीकांत शिंदे को जो है वो वोट जो मिले हैं, कुल वोट, वो वोट है 5,59,723। वहीं बाबाजी पाटिल जो राकापा के उम्मीदवार है उनको मिले हैं 2,15,380। अब इसमें हम बात करते हैं कि 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र आते हैं जिसमें पहला विधानसभा चुनाव क्षेत्र है 149 कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद कल्याण ग्रामीण है, कल्याण पूर्व है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, ऐसे ये 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें सबसे बड़ी चर्चा है कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र की। चुनाव के दौरान विधायक जितेंद्र आव्हाड का दावा था, उम्मीदवार बाबाजी पाटिल का दावा था, पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दावा था कि 149 कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र से हम उम्मीदवार बाबाजी पाटिल को 1,00,000 वोटों की बढ़त दिलाएंगे। असल बढ़त मिली है 9,881 वोट की, यानी कि दावा 1,00,000 का और बढ़त मिली महज 10,000 के आसपास की, 90,000 पीछे की। 90,000 का दावा भी इनका अगर जो पकड़ा जाए तो 80,000 पीछे की। तो ये 10,000 की लीड जो है ये अब खतरे की घंटी बनी हुई है आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक जितेंद्र आव्हाड के लिए। विधायक जितेंद्र आव्हाड पिछली बार 48,000 के लगभग वोटों से जीते थे। कलवा में श्रीकांत शिंदे ने इस चुनाव में लगभग 31,000 वोट की लीड ली है, तो बाबाजी पाटिल ने मुमरा कौसा में सिर्फ 9,881 की लीड ली है। कलवा में और मुमरा में जो वोट मिले हैं श्रीकांत शिंदे को वो है 67,455, यानी कि पूरा कलवा मुमरा सेगमेंट है इसमें। और बाबाजी पाटिल को जो वोट मिले हैं वो 77,336। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से विधायक जितेंद्र आव्हाड की सद्दी खतरे में पड़ी हुई है और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ फिलहाल पूरे शहर में चल रहा है, कई सारे मुद्दे हैं, इन पर वो किस तरह से काबू पाते हैं और किस तरह से ये घटी हुई लीड को फिर से वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो तो वो क्या करेंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर साहेब के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, ये तो सामने आ चुका है। अब विधानसभा चुनाव में क्या रंग रहेगा, किस तरह के राजनीतिक समीकरण रहेंगे, एमआईएम क्या भूमिका निभाएगी, वंचित बहुजन आघाड़ी क्या भूमिका निभाएगी, शिवसेना भाजपा युति का उम्मीदवार कौन होगा, अन्य छोटे मोटे दलों के उम्मीदवार कौन होंगे, निर्दलीय कौन होगा, उसमें वोटों का बंटवारा कैसे होगा और उसमें जितेंद्र आव्हाड की पिछले वर्ष की 48,000 की लीड कहाँ होगी, 9,881 की जो फिलहाल की लीड है उसके मुकाबले में वो कहाँ तक पहुँचेंगे, ये अक्टूबर नवंबर में इस पर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। मौका मिला तो इसका विश्लेषण फिर बीच में एक बार हो सकता है जिसके साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।